एससीपीसीआई में विभिन्न गांवों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सोलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी, डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जी, एससीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी, प्रोफेसर शालीन कुमार जी, एससीपीजीआई के हमारे सभी यहाँ के आचार्यगण, चिकित्सक शिक्षकगण, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, सोलोनी फाउंडेशन से जुड़े हुए अन्य सभी यूएससीआई के सदस्यगण और जिन्होंने अतिरिक्त रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, ऐसे जब यह कार्यक्रम मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा था उस समय प्रोफेसर धीमन के साथ में जो लोग लगे थे श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, विभाग के अन्य हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एससीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एससीपीजीआई ने ये सब नई परियोजनाएं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एससीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है और साथ ही यहाँ पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा, इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एससीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एससीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सब के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एससीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो, या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो, या विंध्य क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एससीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एससीपीजीआई में पहले से ही यहां पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं,
स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं मिला पा रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है, पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे हाथ ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई है, पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई है, बड़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए इतनी बड़ी आबादी के लिए जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे, मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था। और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था, उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी भी इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है, बहुत बड़ी सफलता। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़े हुए एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंड्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको SCPJI परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहां पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, जिसमें 40 बिस्तरों वाले सेंटर में डायबिटिक से संबंधित इमरजेंसी डायबिटीज कोमा की प्रबंधन, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग डायबिटिक फुट के प्रबंधन के लिए, एंडोसर्जरी विभाग डायबिटिक
रेटिनोपैथी, एथमोलॉजी विभाग, डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण है या उससे जुड़ी भी बीमारियां हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी। यह SCPGI की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। दिल्ली ICU अभी हमने उसका लोकार्पण किया है और मैं देख रहा था, हमने इसका प्रयोग किया था COVID-19 के दौरान, जब COVID-19 की दस्तक हुई थी। उत्तर प्रदेश के 75 में से मात्र 36 जनपद ऐसे थे जिनमें किसी में एक बेड था, किसी में दो बेड ICU के थे, शेष जनपदों में थे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का उस समय आग्रह था कि हर जनपद में कम से कम 10 बेडेड ICU का आपके पास एक सेंटर होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाया, लेकिन मैन पावर कहां से हम लेके आएंगे, एक चैलेंज था। हमने कहा भी जितने भी एनेस्थेटिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनकी ट्रेनिंग हो, और मास्टर ट्रेनर पहले हम लोगों ने यही SCPGI में तैयार करवाए थे। मास्टर ट्रेनर तैयार होने के बाद फिर ये बाकी में टेली ICU को हम प्रारंभ करें, और मैं डॉक्टर धीमन और उनकी टीम को, जिसमें डॉक्टर RK सिंह और अन्य लोग थे, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, पूरी टीम ने सचमुच कोविड जैसी महामारी के दौरान, जब हर व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन की चिंता कर रहा था, तब मैं जब बात करता था कि फलाने जिले में कोई समस्या आ रही है, हमारी टीम वहां से बताती थी, तो या टेली कंसल्टेशन लोग देते थे, टेली ICU के साथ जुड़ते थे, या फिर यहां की टीम वहां भी विजिट करती थी। और आज 6 मेडिकल कॉलेज SCPGI से जुड़ चुके हैं, और मेरा मानना है कि 1 District 1 Medical College के क्रम में इस प्रकार की सेवाएं जो अभी तक दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों में आज भी विश्वास बनाने में कभी कभी हम लोगों को कठिनाई होती है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स ग्रामीण क्षेत्र में भी हम दे रहे हैं, लेकिन लोग इस बात के लिए कभी कभी उनको विश्वास नहीं होता, क्या यहाँ पे भी इतने ही योग्य डॉक्टर होंगे जितने SCPGI में है, जितना KGMU में है। हम लोगों को बोलना पड़ता कि हाँ ये सब सुविधा है आज, और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी है, अगर हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में इस सुविधा को देने में सफल होंगे, SCPGI का लोड भी कम होगा। आपका जो भार है, जो अक्सर कभी कभी विवाद की स्थिति पैदा होती है, वह विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी, और अनावश्यक दबाव में कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन से टेली ICU की सुविधा आदि लेकर के इस सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज 6 मेडिकल कॉलेज इससे जुड़े हैं, मेरा पूरा विश्वास है हम धीरे धीरे करके इस सुविधा का विस्तार करके हर मेडिकल कॉलेज अगर इसके साथ जोड़ पाएंगे, तो सचमुच इससे हम प्रदेश के हजारों पेशेंट्स को प्रतिदिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में इससे मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा सलोनी हार्ट फाउंडेशन का, श्रीमती मिलानी सेठ जी का और उनकी पूरी टीम का, ये लोग US में रहते हैं, हमें फरवरी 2023 में अपना उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना था। इन्वेस्टर समिट के पहले ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करे, और इस देश से जब हम लोगों ने US जो टीम भेजी थी उसमें श्रीमती मिडानी सेठ जी ने और उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी टीम के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग एक एडवांस पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं,
और अगर उत्तर प्रदेश इसके लिए सहमत हो तो हम लोग एक एमओयू करना चाहते हैं, और मैं उस समय ये लोग उन्हें आश्वस्त तो किए, लेकिन यहाँ आकर के जो टीम वहां गई थी उन्होंने कहा कि कैसे हो पाएगा। हमने कहा क्यों नहीं, आप एससीपीजीआई से संपर्क करिए, एससीपीजीआई करेगा। और जितनी जल्दी यहां से हम लोगों ने इन्हें संदेश भेजा, उतनी जल्दी इनकी टीम सोनोनी फाउंडेशन हार्ट फाउंडेशन की टीम यहां पर आई, और यहां पर आकर श्रीमती मिलानी सेठ जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, इनके टीम के सदस्यों ने यहां पर आकर विजिट किया, और इन्होंने देखा कि एससीपीजीआई, पहले इन लोगों को लगता था संभवतः यूपी में इसके लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रोफेसर आर के धीमन जी ने और उनकी टीम ने पहले विजिट में उनके मन को पूरी तरह मोह लिया और उन्हें एससीपीजीआई विजिट में ही। इसीलिए कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इंप्रेशन इस दिशा एससीपीजीआई के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि आज सोलोनी हार्ट फाउंडेशन यहां पर सहयोग करने के लिए तैयार है, और फर्स्ट फेज में जो 36 बेडेड यहां पे पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना होनी थी वह प्रारंभ हो चुका है, अभी हम उस सेंटर का विजिट करके आए हैं। सेकेंड फेज के कार्यक्रम के लिए आज एमओयू यहां पर हुआ है, जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल्स यहां पे बन करके इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा, एक नया दृष्टिकोण के साथ यहां पर उन बच्चों के साथ जो नवजात शिशु हैं जिनमें इस प्रकार की बीमारी होती है पहले से ही, पेट से जन्म से उनके साथ जुड़ जाती है, उनके बेहतर उपचार का एक सेंटर यहां पर प्राप्त होगा, और इसमें डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जो टीम डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियो कैथोरोसिस सेंट सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के यूएसए यहां पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वी मोहन रेड्डी का, और वह यहां ऐसे पीजीआई के इस टीम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं सोनोनी हार्ट फाउंडेशन को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए संभवतः सीएसआर से या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज या किसी संस्थान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। मैं इसके लिए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उत्तर प्रदेश वासियों के रूप से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर यानी जो यहाँ पर ये सेंटर बनेगा इसमें तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी, यहाँ के बच्चों को सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त होने, डीएम और एमसीएच की डिग्री प्राप्त होने में मदद मिलेगी, तमाम डिप्लोमा के कोर्सेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर पहले चरण में जो 5000 बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पर 10000 बच्चों की दवाइयों और उपचार के लिए यह 200 बेडेड विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर इनके माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होगी, और ऐसे पीजीआई के साथ जुड़ने से गवर्नमेंट को भी इस सहायता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट और सीएसआर का मत और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है, और ये हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे। मैं श्रीमती मृणालिनी सेठ जी और सोनोनी फाउंडेशन को जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बनाया है, मैं उनको इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पुत्री की स्मृति को जीवंत बना के रखेगी, और इस कार्यक्रम को नजदीकी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार उसमें से सहयोग करेगी। इसके साथ ही यहाँ पे एक रेन बसेरा का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। रेन बसेरा यहाँ पर बनेगा जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और यह सीएसआर का ONGC का फंड है, उस नीति का पैसा हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, एक खास तौर पर जो पेशेंट यहां पर आते हैं उनके अटेंडेंट के लिए। आप देखते होंगे यहां पे बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं, 5 से 6 हजार की पर डे की ओपीडी है,
और इतनी बड़ी ओपीडी के बाद इसका मतलब प्रतिदिन यहाँ पे 15,000 लोग उनका फुटफॉल होता है, प्रतिदिन का है। 15,000 लोग पढ़ने आते हैं, एक पेशेंट के साथ अगर दो भी कम से कम, दो तो कम से कम होते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, पेशेंट की स्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन आप देखते होंगे कि दिन में भी वे इधर उधर भटकते हैं, रात्रि में भी कोई सड़क पर, कोई फुटपाथ पर, कोई कहीं पड़ा रहता है, स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ के प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के अन्य कार्मिक हैं, इन सब की सुरक्षा के लिए भी वह कभी कभी उसके माध्यम से कोई खतरा पैदा उसके मार उसकी आड़ में कर सकता है। और मुझे लगता है ये अनह्यूमन है कि कोई व्यक्ति उपचार कराने के लिए आ रहा है और स्वयं खुली छत के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में सोने के लिए मजबूर है। मैं पिछले दिनों जब यहाँ आया था तो मैंने यहाँ पे देखा था कि रात्रि के समय तमाम पेशेंट के अटेंडेंट बाहर सड़कों पे लेटे हुए थे, तो मैंने उस समय प्रोफेसर हेमंत से कहा, मैंने कहा ये सब क्यों लेटे हुए, तो उन्होंने कहा मेरे पास जो क्षमता है उसके अनुसार है। लेकिन उसी दिन मैं गया और मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत किया, मैंने कहा ONGC के CSR का एक हमें यहाँ पर उपलब्ध करवाइए, और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को कि उन्होंने जगदीप पुरी जी को, कि उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक रेन बसेरा यहाँ पे स्वीकृत किया है और इसमें 51,000 पेशेंट के अटेंडेंट को ये सुविधा छत उपलब्ध करवाने का। इसमें पार्किंग भी होगा, इसमें एक कैंटीन भी होगी, कैंटीन जिसमें सस्ता भोजन 15 रुपए 20 रुपए में उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके, इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और 1,000 पेशेंट के अटेंडेंट को यहाँ पर हम सिर ढकने के लिए सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे, तो यह एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। एक हॉस्टल मेडिकल टेक्नोलॉजी के 200 छात्रों के लिए यहाँ पर भी उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसमें तमाम अन्य जो सुविधाएं हो चुकी हैं वह भी पूर्ण हो चुकी हैं। सबका आज यहाँ पर एक साथ लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। इतने सारी सुविधाएं एक साथ SCPGI को एक साथ प्राप्त हो रही है। संभवतः SCPGI के इतिहास में जब SCPGI बना होगा उस समय या तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई होंगी या आज इस बार उपलब्ध हो गई है। मुझे लगता है कि यदि जो वर्तमान में SCPGI में कार्यरत है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है या अध्ययन और अध्यापन दोनों के साथ जुड़ी हुई, ये टीम सौभाग्यशाली है क्योंकि संस्थान व्यक्ति के कार्यों के अनुसार संस्थान को भी और व्यक्ति को भी यशस्वी बनाता है। अगर हमारे कार्य से संस्थान यशस्वी बनता है तो हमारा कार्य भी यशस्वी होता है, यश का हम भागीदार बनते हैं। हमारे कार्य से संस्थान का यश गिरता है तो हम भी अपयश के भागीदार बनते हैं, और मुझे लगता है पूरी टीम इस यश की भागीदार है जो आज यहाँ पर इतनी सुविधाएं SCPGI को प्राप्त हो रही है और आपके माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश वासियों को बल्कि देशवासियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आपके जो कार्य हैं वे सराहनीय रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पर US के किसी कोने में सरोनी फाउंडेशन बैठ करके वहां कार्य कर रहा है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग प्रदान किया और अब तक मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा CSR का ये सहयोग उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान को प्राप्त हुआ है, SCPGI को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से SCPGI को इन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूँ, सलोनी फाउंडेशन को इस सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बने, आगे चले और यहाँ पर राज्य सरकार के स्तर पर भी जो भी सहयोग इस प्रतिष्ठित संस्थान को आगे बढ़ाने में सरकार के स्तर पर होगा, सरकार उसको भरपूर मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सब।